इंट्रोड्यूसिंग सैमसंग गैलेक्सी M51। दोस्तों, सैमसंग की M सीरीज का एक और नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है इंडिया में। और दोस्तों, ये सैमसंग का पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M51 के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, सैमसंग ने इस बार इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के साथ साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी पर भी काफ़ी ध्यान दिया है। तो फ़ोन की बैक साइड में आपको इस बार मिलेगा ग्लास का बैक विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश, साथ में आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलेगी और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, फ़ोन में आपको मिलेगी 6.53 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज़ की इन्फिनिटी पंच होल डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2400 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 409 पिक्सल पर इंच की, और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। दोस्तों, सैमसंग के सुपर एमोलेड पैनल के साथ आपको 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट मिलेगी, तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। दोस्तों, फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX686 के सेंसर के साथ। दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। और चौथा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा। और दोस्तों, फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा। तो कैमरा की क्वालिटी भी आपको काफ़ी बढ़िया इस बार मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, फ़ोन में आपको मिलेगा एक्सिनोस 9612 का प्रोसेसर, जो कि सैमसंग का एक नया प्रोसेसर है। तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, कोई भी गेम आप फ़ोन में आराम से चला पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 10.0 क्यू का ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग वन UI 2.0 के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 6000 mAh की बिग बैटरी, जिसके साथ आपको 33W की डुअल इंजन की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट के बारे में। दोस्तों, फ़ोन आने वाला है 3 रैम वेरिएंट में। पहला वेरिएंट होगा 6GB 64GB, दूसरा वेरिएंट होगा 6GB 128GB और तीसरा वेरिएंट होगा 8GB 128GB। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, बेस वेरिएंट की प्राइस यानी कि 6GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग इंडिया में 16,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस बार आपको 16,000 रुपये की प्राइस में सैमसंग के फ़ोन में काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में मई के मंथ तक। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।